और इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। रामनगर बंदरगाह पहुंच गया है गंगा विलास क्रूज। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें चले कि वाराणसी में रामनगर बंदरगाह पहुंचा है गंगा विलास क्रूज। ईंधन डलवाने की हो रही है प्रक्रिया। रामनगर बंदरगाह से वाराणसी रविदास घाट पहुंचेगा ये क्रूज। भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। घाट पर किया जाएगा क्रूज का स्वागत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रूज का स्वागत किया जाएगा घाट पर और स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और ये भी आपको बता दे चले कि रामनगर बंदरगाह से वाराणसी रविदास घाट पहुंचेगा ये क्रूज। और अभी ईंधन डलवाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो अहम जानकारी इस वक्त की। गंगा आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि ईंधन डलाने की प्रक्रिया जो है वो क्रूज में चल रही है और क्रूज के स्वागत के लिए घाट पर तैयारियां की जा रही है। भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। और ये भी आपको बताते चले कि इस क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। उससे पहले जो प्राथमिक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। क्रूज में ईंधन डलाया जा रहा है और इसके साथ ये क्रूज आप कुछ ही देर में घाट पर पहुंचेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत श्रीवास्तव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्रूज अभी कुछ ही देर में घाट पर पहुंचेगा, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये जो गंगा विलास क्रूज है ये 32 स्विस नागरिकों को लेके बनारस पहुंचा, जिसमें ये नागरिक कल रुके और आज जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट साइट थे उनको घुमा। उनके घूमने के बाद इस समय गंगा घाट पे है। ये जो क्रूज है विश्व का सबसे लंबा इनलैंड वाटर क्रूज है, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा, जो 50 दिनों की यात्रा तय करेगा और 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसको लेके बहुत उत्साह है। ये भारत की पहली ऐसी क्रूज है जो इतना लंबा सफर तय करेगी। प्रशांत, इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ की जा रही हैं? इसके स्वागत को लेकर अगर बात की जाए, कितना उत्साह है लोगों के अंदर? अगर हम उत्साह की बात करें तो वाराणसी को कई सौगातें पीएम मोदी ने दी है, उसमें से यह क्रूज है। इसको लेकर उत्साह लोगों के बीच बहुत है। भीड़ काफी लगी हुई है इसे देखने के लिए। साथ ही जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी इसको देख रहे हैं और इसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। सारे पर्यटक जो है बनारस घूम के इस समय गंगा आरती देख रहे हैं और बहुत ही उत्साह है लोगों के बीच। अगर प्रशांत इसके कमरों की बात की जाए, बताया जा रहा है कि इसके अंदर 18 कमरे हैं। जी, और इसकी क्या अगर हम बात करें कमरों की, तो इसमें 18 सूट है जिसमें लगभग 32 लोगों के जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस क्रूज की बात करें तो इसमें फ्रेंच बालकनी है, साथ ही इसमें जिम है, स्पा है, बार है, ताकि जो भी इसमें यात्री जाएं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो एक अच्छे रोमांचक तरीके से यात्रा कर सके। आपको बताते चलें कि यह जो क्रूज है ये हर जगह, छोटी जगह मोटी जगह रुकते हुए जाएगा, जहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जितनी, वहाँ उनको भी घुमाते हुए लगभग 15 दिन ये बांग्लादेश रहेगा। बांग्लादेश से फिर ये डिब्रूगढ़ जाएगा। लगभग 27 इनलैंड जो रिवर है उनसे घूमते हुए एक क्रूज जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक क्रूज एक बड़ी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया, इसमें हर तरीके की यहाँ पर सुविधा यात्रियों को अंदर मिलेगी।